बच्चों कबीरदास हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन ज्ञानमार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। इनका जन्म 1398 के आसपास काशी वाराणसी नामक स्थान पर हुआ था और इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जिन्होंने समाज में लोक लाज के डर के कारण इनको लहर तारा नामक एक तालाब के किनारे छोड़ दिया। सुबह का समय था, नीरू और नीमा नामक दुल्हा दंपति ने इनका पालन पोषण किया। इस तरह से देखा जाए तो इनका जन्म हिंदू परिवार में हुआ और पालन पोषण मुस्लिम परिवार में। कबीर के गुरु रामानंद थे, इसका मतलब कबीर गुरु रामानंद के शिष्य थे। इनके जीवन में हिंदू मुसलमान दोनों के ही संस्कार विद्यमान थे। इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी के आसपास हुई। इनका मानना था, इनका और उसके साथ साथ उस समय समाज में जितने भी लोग थे सबका मानना था कि जो लोग काशी में मरते हैं वो स्वर्ग को प्राप्त होते हैं, जो मगर में मरते हैं उनको नरक मिलती है। तो कबीरदास ने इस विचार को खंडित करते हुए कहा कि जो भी मनुष्य है अपने कर्मों के अनुसार सब कुछ पाता है। तो इन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षणों यानी जब इनके जीवन के कुछ साल बचे थे तो काशी छोड़कर मगर चले गए। तो वहां पर इन्होंने अपने शरीर का त्याग किया समाज में फैले इस अंधविश्वास को तोड़ने के लिए कि जो लोग काशी में मरते वही स्वर्ग को जाते हैं, मगर में मरने वाले नरक को जाते हैं। तो इस तरह से लोगों के मन में फैली भ्रांति को दूर करने के उद्देश्य को लेकर इन्होंने काशी छोड़ दी और मगर में जाकर रहे। कबीरदास जी अकबर तभी हमने बताया और इनके शिष्यों के द्वारा जो कुछ बोलते थे उन्होंने लिपिबद्ध किया। कबीर संत कवि थे जिन्होंने समाज में व्याप्त अन्याय बुराई अंधविश्वास और आडंबर व जल कर प्रहार किया। उन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों को ही फटकारा। उन्होंने मूर्ति पूजा आडंबरपूर्ण भक्ति मोह माया आदि का विरोध करते हुए ईश्वर की सच्ची भक्ति पर बल दिया। कवि की साखियों और पदों में सबुक्कड़ी या पचमेल खिचड़ी का प्रयोग, इनकी भाषा को सबुक्कड़ी भाषा या पचमेल खिचड़ी कहा जाता है। इनको भाषा का डिक्टेटर भी कहा जाता है। इनकी भाषा शैली ने आम आदमी को भी प्रभावित किया। इनकी भाषा भावों को व्यक्त करने में पूरी तरह समर्थ थी। ठीक बच्चों।